हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जहाँ पर हम बात करते हैं फैशन, लाइफस्टाइल और वुमेन हेल्थ केयर के बारे में। आज की जो वीडियो है वो हेल्थ से रिलेटेड है। आज मैं एक सप्लीमेंट्स के बारे में आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो सप्लीमेंट्स हैं, नॉर्मली जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, नॉर्मली देखा जाता है कि नॉन वेजिटेरियन रहता है क्योंकि फ़िश ऑयल से हमको मिलता है, और बहुत सारे जो वेजिटेरियन पर्सन हैं वो नहीं लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी हो जाती है। और इस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ओमेगा 3 वेजिटेरियन रूप में भी आप ले सकते हैं। इनके सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो पहले देख लेते हैं ओमेगा 3 होता क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम किस टाइप के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं और किस टाइप से इसको लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ओमेगा 3 होता है जो फिश ऑयल में हमको मिलता है, तो उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है EPA और एक होता है DHA। जो EPA होता है वो हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को अच्छे से प्रोसेस करने के लिए हेल्प करता है, और जो DHA होता है वो हमारी ब्रेन और आइज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और ब्रेन के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना ही चाहिए। बट जो वेजिटेरियन पर्सन हैं उनके लिए फ़िश ऑयल अगर लेना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो उनके लिए आज की वीडियो है। नॉर्मली जो वेजिटेरियन का सोर्स होता है वो होता है फ्लैक्स सीड्स होते हैं, जिससे हमें मिलता है ALA नाम का जो रहता है एलिमेंट ओमेगा 3 का, वो हमें मिलता है, जो कि डिवाइड होता है EPA और DHA में, जो कि बहुत ही कम मात्रा में हमें इसकी पूर्ति हो पाती है। तो इसका एक और सोर्स है जिससे फिश जो है उनको भी यहीं से सोर्स मिलता है, तो वो जो सोर्स है वो है अलगाए। ये नॉर्मली एक प्लांट्स होते हैं, और कई जगह ये जो ग्रीन काई टाइप की होती है, नॉर्मली ये जो प्लांट्स होते हैं वो समुद्र में ही पाए जाते हैं, और जो मछलियां हैं वो इसी को कंज्यूम करती हैं, उसको भी इन्हीं प्लांट्स से ओमेगा 3 मिलता है। तो हम देखा जाए तो हम जो मेन सोर्स है ओमेगा 3 का, हम उसको ही कंज्यूम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं अलगाई जो मेन है उसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें ओनली DHA ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें EPA पाया जाता है। तो बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स आते हैं तो उनमें ऐसा होता है कि अलग अलग प्लांट्स जिनमें EPA भी हो और DHA भी हो, तो उन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। और या तो आपको जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं वो DHA वाले ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि जो मेन जो प्लांट्स हैं वहाँ उनमें DHA ज़्यादा मिलता है। तो DHA भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, हमारे ब्रेन के लिए, आइज़ के लिए, और हमारी जो थकान रहती है, हमारी बॉडी अगर सुस्त रहती है, आपको वर्किंग करना है, आपको वर्कआउट करना है, आप जिम जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है अगर आप ओमेगा 3 कंज्यूम करते हैं। और जिम में तो बताते भी हैं कि ओमेगा 3 लेना चाहिए, उनको प्रीफर सप्लीमेंट्स भी प्रीफर किए जाते हैं। बहुत सारे आपको ब्रांड भी मिल जाएंगे, मैं कुछ ब्रांड के आपको डिटेल्स भी बताऊंगी, और मैं कौन सा सप्लीमेंट्स लेती हूँ, मैं कौन से ब्रांड का सप्लीमेंट्स लेती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उससे मुझे जो रियल में एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो ओमेगा 3 है, इसके सप्लीमेंट्स मेन एंड वुमेन दोनों ले सकते हैं, इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। और किसी को अगर एलर्जी है, पहले से एलर्जी है, तो अपने डॉक्टर से पूछ के एडवाइस लेके भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, और उनके लिए बेनिफिट होगा ऑफ कोर्स। बट अगर कोई मेजर इश्यू है उनकी बॉडी में ऑलरेडी है और ये उसको बढ़ाता है, तो उस वे में आपको डॉक्टर की एक बार सलाह लेना ज़रूरी हो जाता है। तो ओमेगा 3 है, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल दिया है जो जितना मैंने स्टडी किया है उसके बेस पे। तो ये दो टाइप का होता है, और इस टाइप का सप्लीमेंट चूज़ करना कि जिनमें दोनों अवेलेबल हो तो वो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। जो वर्कआउट करते हैं, जो जिम जाते हैं, उनके लिए दोनों का जो सप्लीमेंट है उसमें दोनों अगर होते हैं EPA और DHA, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट नॉर्मली जैसे हाउसवाइफ्स हैं, या फिर आपको नॉर्मल आप वर्किंग करते हैं, वर्किंग पर्सन हैं, बट आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान रहती है, आपको मेंटली इश्यूज हो रहे हैं, या
लाइक सिर दर्द होना या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, आइज़ की प्रॉब्लम्स है, तो उसमें आप डीएचए जिसमें भरपूर मात्रा में हो ऐसा ओमेगा 3 चूज़ कर सकते हैं सप्लीमेंट्स में। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मैं बता ही रही हूँ, थकान दूर होती है और आप जो पर्टिकुलर डाइट होती है वो हम कई बार नहीं ले पाते हैं, तो उसकी वजह से जो कमज़ोरी हमें फील होती है वो भी दूर होती है इससे। तो मैं इसको लेते काफ़ी टाइम हो चुका है और मुझे इसका बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट मिला है। पहले मैं जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, और ऑब्वियसली बात है मुझे वेजिटेरियन का पता नहीं था, तो मैं फ़िश ऑयल जो रहते हैं वही कैप्सूल्स कंज्यूम करती थी। बट अभी मैं जैसे ही इस पे स्विच हुई हूँ, मुझे कम से कम 4 मंथ्स हो चुके हैं इसको लेते हुए, तो मतलब काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे। आफ्टर डिलीवरी बॉडी में बहुत सारे वीकनेस आ जाती है, जॉइंट्स में भी मेरे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इससे काफ़ी हेल्प मिली है और जॉइंट्स की प्रॉब्लम मेरी बिल्कुल सॉल्व हो गई है। जो कमज़ोरी थी वो रिकवर हो गई है। अभी मैं मेरी बेबी के साथ फुल एनर्जी के साथ पूरे दिन लगी रहती हूँ, तो मुझे वीकनेस फील नहीं होती, मुझे कमज़ोरी बिल्कुल नहीं लगती है और एक हेल्दी बॉडी फील होती है, तो काम करने में भी मज़ा आता है। तो अभी मैं आपको 2-3 प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मैं कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करती हूँ और उसके मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले हैं और मेरी बॉडी ने उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब किया है और बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मुझे दिया है। ओमेगा 3 कार्बामाइड फोर्ट का ये ओमेगा 3 वेजिटेरियन है, इसमें 60 कैप्सूल्स की ये पैकेजिंग आती है और इसमें 1000 mg का एक कैप्सूल होता है और आपको दिन में एक कैप्सूल लेना होता है, यानी 1000 mg आपको कंज्यूम करना होता है। इसमें कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हार्मफुल हो और इसके इंग्रेडिएंट जो भी है मैं आपको यहाँ पर शो कर दूँगी, और इससे काफ़ी हाई रिच आपको DHA मिलता है, इसमें EPA नहीं है। अगर आपको EPA और DHA दोनों का कॉम्बिनेशन वाला सप्लीमेंट्स चाहिए तो उसकी जो पिक्स है मैं आपको यहाँ पर लगा दूँगी, एक वाओ कंपनी का है ओमेगा 3 वेजिटेरियन, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, तो वो काफ़ी हेल्दी है और हेल्पफुल है। जो जिम जाते हैं, जो वर्कआउट करते हैं उनके लिए वो काफ़ी अच्छा है, बट सप्लीमेंट से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अभी कैमरे में ये उल्टा दिख रहा है तो मैं इसके पिक्स आपके साथ शेयर कर दूँगी। जो DHA का सोर्स है वो अलगाल सोर्स है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं जो समुद्र में या पानी के अंदर जो पाए जाते हैं, जिनसे फिशेस को भी ओमेगा 3 मिलता है, वही है इसमें अच्छा सोर्स है, जिससे हमें हाई लेवल पे DHA मिलता है इक्वल टू फिश ऑयल। पैकेजिंग है वो इस टाइप की आती है और इसमें आपको 60 टैबलेट्स मिलती हैं, 60 टैबलेट्स की रहता है, तो ये 2 मंथ चलेगा आपके, क्योंकि 1 टैबलेट ही आपको एक दिन में लेनी होती है। और इसके साथ ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए ये आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, और ये एक मैग्नेट आपको अवेलेबल होती है। मेरे पास ऑलरेडी मैग्नेट्स हैं, क्योंकि पहले भी जब मैंने बॉटल्स मंगवाई हैं तो उनके साथ ही अवेलेबल आया है, तो ये आप फ्रीज पे लगा सकते हैं, आपकी अलमीरा वगैरह पे लगा सकते हैं। इस पे एक ही कोर्स है आई थिंक, डिफरेंट टाइप के कोर्स हों तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट हाँ इन दोनों पे सेम ही कोर्स है पॉजिटिव कोर्स, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक कॉम्प्लीमेंट टाइप का है। इसके साथ ओमेगा 3 वेजिटेरियन यूज़ करती हूँ, इसमें ओनली ओमेगा 3 होता है, इसमें ओमेगा 6 एंड 9 नहीं है अवेलेबल। अगर उससे भी ओमेगा 6 एंड 9 के भी आप चाहते हैं कि उसके बेनिफिट्स भी आपको मिले, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड हैं, मैं उनकी डिटेल भी आपको यहाँ पर शेयर कर दूँगी, आप उनको भी कंज्यूम कर सकते हैं, जैसा भी आपको बेनिफिट लेना है या आपको सूटेबल लगे तो वो भी मैं आपको शो कर दूँगी। ये मैंने ये जो बॉटल है ओमेगा 3 की, तो ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ की थी, तो वहाँ से काफ़ी रीज़नेबल रेट में आ गई थी। इसकी जो MRP होती है वो 770 है इसकी MRP, बट ये मुझे अराउंड 425 या 415 समथिंग मुझे एक बॉटल पड़ गई थी। तो जो ओमेगा 3 वेजिटेरियन है उसका एक
माइनस पॉइंट यही है कि ये थोड़ा सा महंगा आपको अवेलेबल होता है, और जो वाव कंपनी का है ओमेगा 3 उसका रेट थोड़ा सा और हाई है, तो ये ज़रूर हो सकता है। बट कुछ अगर आपको फ़िश ऑयल नहीं लेना है या आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो उसके बिहाव पे तो आप इतना कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं। और मेन जो इसका बेनिफिट है वो जॉइंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जो हड्डियों के जॉइंट होते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो मुझे जो भी वीकनेस वगैरह हुई थी उसको भी इसने रिकवर किया है। अब बात कर लेते हैं कि इसको आप कंज्यूम कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी लंच या डिनर के बाद, एक हैवी मील लेने के बाद ही इसको कंज्यूम करना है। आपका पेट प्रॉपरली भरा हुआ होना चाहिए, उसके बाद ही पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। बट एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, इसको कभी भी मिल्क प्रोडक्ट के साथ नहीं लेना है। लाइक आपने अगर लंच में या डिनर में दही या मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी कंज्यूम किया है, तो आपको ये सप्लीमेंट मिल्क के साथ नहीं लेना है। उसका हार्म हो सकता है, आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉब्लम कर सकता है, या फिर जो और प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं डाइजेशन से रिलेटेड। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। एक हैवी मील के बाद आपको ये कंज्यूम करना है। एक दिन में एक ही टैबलेट आपको यूज़ करनी है। कभी भी आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उन पर ये ज़रूर देखिए कि आपकी जो एक टैबलेट है उसमें 1000 mg का क्वांटिटी होना चाहिए, 500 mg का नहीं होना चाहिए। अगर 500 mg का है तो आपको दो टैबलेट लेनी पड़ेगी, तो वो भी आप साथ में लेना तो प्रीफर मैं नहीं करूँगी। तो उनको एक लंच के बाद एक डिनर के बाद ऐसा प्रीफर किया जाता है। बट 1000 mg की जो टैबलेट्स होते हैं वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। नॉर्मली जो फिश ऑयल रहता है वो एक प्लास्टिक की टैबलेट्स, प्लास्टिक की कोट्स रहती है, बट ये जो टैबलेट्स हैं इसमें किसी टाइप की कोई कोट्स नहीं है। नॉर्मल जैसे कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं उसी टाइप से है, और इनमें आपको हल्की सी स्मेल हो सकता है आए, बट मुझे ऐसा फील नहीं होता। लाइक में आपको लेना है, आपने डिनर नहीं किया है बट आपको टैबलेट लेना है, तो आप सोचें कि दूध के साथ में इसको ले लूँ। दूध के साथ कभी भी ओमेगा 3 नहीं लिया जाता है, तो इसका तो बिल्कुल आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें। और जो इसका बेनिफिट है वो तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे भी आपको शो कर दूँगी। तो इतने सारे बेनिफिट हैं और इसको लेना बहुत ही इजी है, तो आप इसको इजी वे में ले सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि ये जो टैबलेट्स होती हैं ये हल्का सा बॉडी को वार्म करती हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी आपको जैसे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है आपकी बॉडी में, तो आप एक बार अपने डॉक्टर को पूछ के फिर ही आप लीजिए, क्योंकि आपके जो डॉक्टर हैं वो आपकी बॉडी को ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे और ये प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है वो और ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। मैं होप गाइस आपको मेरी इस वीडियो से फुल इन्फॉर्मेशन मिले, ओमेगा 3 वेजिटेरियन पर्सन किस तरह से आप अपना DHA हाई कर सकते हैं। और जो भी प्रोडक्ट्स मैं शेयर कर रही हूँ तो उनके जो परचेज लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से और डिटेल में जान सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो या आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिनको वीकनेस रहती है या बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ओमेगा 3 बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। गाइस ये थी आज की वीडियो, अब मिलते हैं जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।